कोरोना महामारी के चलते शहर और देहात में आम आदमी की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हालत बेहद दयनीय है। काम कारोबार भी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से वसूले जाने वाले जल कर, गृह कर, बिजली के बिल और बच्चों के स्कूल की फीस हर खासो आम को आस रही है। इसी सब के मद्देनज़र सपोर्ट इंडिया संगठन ने जनहित में आगे आते हुए जनपद के सभी थानों पर ज्ञापन देने का काम किया। इस ज्ञापन के जरिए सपोर्ट इंडिया ने अपने सहयोगी विभिन्न संगठनों के माध्यम से शासन और प्रशासन से जनता को इन शुल्कों से मुक्त करने की मांग उठाई है। सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष सुरेश चंद सोनी एडवोकेट का कहना है कि अगर महामारी से जूझ रहे आम जनमानस के हितों की अनदेखी की गई तो सपोर्ट इंडिया न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेगा। सपोर्ट इंडिया काफी लंबे समय से शहर की और जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर रही है और समय समय पर अधिकारियों को भी अवगत कराती रहती है, ज्ञापन देते हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी हमने जनहित याचिका दाखिल की है और अधिकारी जब नहीं सुनते हमारी बात को तो हम माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय जाकर के अपनी पीड़ा को बताते हैं। आज सपोर्ट इंडिया और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जो है जनपद के सभी थानों में और SDM किरावली और अन्य जगह इस आशय की मांग के ज्ञापन दिए हैं सभी जगह एक जैसे कि 6-6 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, 6-6 महीने का जल कर और गृह कर माफ़ किया जाए और 6 महीने की बच्चों की फीस माफ़ की जाए। मैं टोरंट कंपनी और अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि जब पूरा देश बंद है और सारा मार्केट बंद है तो मार्केट में जब एक बल्ब भी नहीं जला है, मार्केट में एक पंखा भी नहीं चला है, दुकान पर ताला बाहर से लगा हुआ है तो उसके 3,000 और 3,500 और 6,000 का बिल कैसे आ गया। तो मैं समझता हूँ कि टोरंट कंपनी ने इस मामले में लॉकडाउन का फायदा उठाने की कोशिश की है और वो जनता का खून पीने का काम कर रहे हैं। इस विषय पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। अगर अधिकारियों ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो इस प्रकार के सारे जितने भी बिल होंगे जो लॉकडाउन के दौरान आए हैं उन सबको ले जाकर के हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल करने को मजबूर। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें, प्लास्टिक की वही चप्पलें पहनें जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें, बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं, बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें, पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें, खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।